जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। तो कैसे आप लोग, मैं दुआ करता हूँ जो आपके जिगल की तैयारी कर रहे हैं या जो अभी अपना फिटनेस का गोल फॉलो कर रहे हैं वो अच्छा चल रहा हो, आप अपने सब कुशल मंगल होंगे और अपनी फिजिकल की तैयारी अच्छे कर रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले उन लोगों के ऊपर जो मेरे पे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, चाहे वो उत्तराखंड पुलिस फिजिकल की तैयारी कर रहे हो, चाहे दिल्ली पुलिस फिजिकल की तैयारी कर रहे हो, चाहे झारखंड पुलिस फिजिकल की तैयारी, या कोई भी एथलीट जो रनिंग कर रहा है, स्कूल लेवल पर कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, नेशनल इंटरनेशनल, तो कई सारे मेरे पे कमेंट देखने को मिले थे कि सर जो हम दौड़ते समय हमारे पैरों में दर्द होता है, ये जो हमारी सीन बोन है, ये आप बात करेंगे ये तो इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। हम दौड़ते समय चलते चलते गिर जाते हैं, या हमारे जब हम दौड़ते हैं, दौड़ने के बाद कुछ समय के बाद क्या होता है, हमारे बहुत ज़्यादा दर्द दिखाई देता है। जैसे हम ग्राउंड आते हैं तब तो दर्द नहीं होता, हम जब ग्राउंड में दौड़ना स्टार्ट करते हैं तो ये दर्द हमारा उठ जाता है, वापस से उभरने लगता है। तो इसके बारे में बात करेंगे, ये कैसे ठीक किया जा सकता है, क्या आप गलतियाँ करते हैं जिससे ठीक नहीं होता, क्या आप गलतियाँ करते हैं जिससे ये हो जाता है, और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए, क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे ये ठीक हो जाए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टिप्स क्या है, सबसे पहले क्या करना है, एक अच्छा सूज लेना है। बहुत से लोग परेशान होते हैं कि किस तरह का सूज लें, क्या करें। एक कोई भी अपना एक अच्छा सोल का सूज देखो, जैसे ये है, इसमें काफ़ी अच्छा सोल है। आप कैंपस का सूज ले सकते हैं, नॉर्मल सागा का सूज भी लोग यूज करते हैं, पर सागा का सूज क्या होता है, जो हार्ड सरफेस पे जैसे ग्राउंड वगैरह पे आप रनिंग करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप रोड रनिंग करते हैं या हार्ड सरफेस पे रनिंग करते हैं, सीढ़ियों पर रनिंग करते हैं या हार्ड सरफेस जैसे कि कोई भी रेलवे ट्रैक वगैरह पर रनिंग करते हैं, तो उससे ये दर्द आ जाता है। आपके ये इतना ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम लेवल का आपकी ये जो आपकी सिन बोन होती है, सिन पेन वही है कि सिन पेन या टीबिया का पेन या फिर कोई भी जोड़ों का पेन, तो हमारा ये जो सिन बोन होती है, सिन बोन में बहुत एक्सट्रीम लेवल का पेन आ जाता है, जिस कारण आप चल भी नहीं सकते, कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते, और आपके ये बल्ब आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो इसके बाद क्या होता है, आपको सिन स्प्लिट हो जाएगा। जो आपकी ये जो हमारी सिन बोन के पास मसल्स होती है, बहुत ज़्यादा दुखने लगती है, सूज जाती हैं, पेन आ जाता है, इसमें गांठे सी पड़ जाती है, जिस कारण आपको कभी कभी फ्रैक्चर होता है, जिसे सिन स्प्लिट फ्रैक्चर बोलते हैं। सिन स्प्लिट फ्रैक्चर होता है, बहुत ज़्यादा आपको स्टीम लेवल का दर्द होने स्टार्ट हो जाता है। तो इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल करें, उस चीज़ों में बात करने वाले हैं। हार्ड सरफेस पर रनिंग नहीं करनी है। दूसरा, पहला क्या था, अच्छा सूज लेना, दूसरा क्या था, हार्ड सरफेस पर रनिंग नहीं करती। मेरे बहुत से भाई क्या करते हैं, हार्ड सरफेस पर रनिंग करते हैं, जैसे कि सीढ़ियों पर रनिंग करते हैं, या फिर ग्राउंड नहीं है, मतलब ग्राउंड नहीं है, ऐसा है कि ग्राउंड नहीं है तो उस कारण से वो रोड पे रनिंग करते हैं। तो रोड पे रनिंग करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि कभी कभी हमें रोड पे, जैसे हम ABC एक्सरसाइज करते हैं, ABC ड्रिल करते हैं, स्पीड वर्कआउट करते हैं, वो हमको उस पर नहीं करना है। दो चीज़ें हो गई, हार्ड सरफेस पे बिल्कुल रनिंग नहीं करनी, कोशिश करना है जिसके पास ग्राउंड नहीं है वो जैसे भी कोई फिजिकल की तैयारी कर रहा है, चाहे वो उत्तराखंड पुलिस फिजिकल हो, चाहे दिल्ली पुलिस फिजिकल हो, चाहे आबकारी का फिजिकल हो, या यूपी पुलिस फिजिकल हो, झारखंड पुलिस फिजिकल, तो उसको क्या करना है, कभी कभी ग्राउंड पर रनिंग करना है, कभी कभी हमको रोड रनिंग भी करना है। रोड रनिंग करते समय ये ध्यान रखना है कि हमारा सूज अच्छा होना चाहिए, हमको स्पीड वर्कआउट कभी नहीं करना रोड पर, जैसे रोड पर कोई स्पीड वर्कआउट होते हैं तो उस चीज़ को कंट्रोल करना है। तीसरा क्या होना चाहिए कि हमको अच्छी डाइट लेनी है। डाइट के लिए क्या कर सकते हैं, डाइट के लिए हम कैल्शियम की टैबलेट लेनी है, जैसे कैल्शियम की टैबलेट लेनी है, आप D3 ले सकते हैं, हफ्ते में एक D3 आप ले सकते हैं, आपके डॉक्टर से पहले कोई सी भी कर सकते हैं, कैल्सीफेरॉल वगैरह वगैरह कई सारी टैबलेट आपकी कैल्शियम की आ सकती है, आपको सरकारी अस्पताल में भी मिल सकती है और आपको मेडिकल स्टोर से भी ले सकते हैं, या D3 सबसे अच्छा है, और उससे अच्छा है कि आप जो विटामिन D3 के स्रोत हैं तो उसको अच्छे से लें, जैसे अंडा हुआ, अंडा, पालक, और ये बीन्स वगैरह, दालें हो गई या डेट्स हो गई, इन चीज़ों को खाएं। फिर क्या होता है, बहुत लोग कहते हैं कि इस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। पहला क्या हो गया, अच्छी तरह से हम ग्राउंड पे दौड़ें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें। बहुत से लोग क्या करते हैं, इसमें जो सबसे मेजर गलती होती है जिस कारण से आपका जो ये है सिन स्प्लिंट या सिन पेन दूर नहीं हो पाता, पिंडलियों का पेन दूर नहीं हो पाता, उसमें सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग, वो क्या करते हैं, दर्द में दौड़ने लगते हैं। इसमें क्या होता है, दर्द में दौड़ना नहीं है, इसमें हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। वो चीज़ क्या, जैसे प्राइस, PRICE, पी से आता है प्रिवेंशन, आई से प्रिवेंशन करना है, मतलब जब आपकी ये चीज़ हो गई है तो कंट्रोल करना है, आपको ऐसा नहीं कि दौड़ने चले जाना है। आपको प्राइस का मतलब ही यही है कि आपको प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आपको प्रिवेंट करना है उस एरिया को। मान लो कि मेरे इस एरिया में स्प्लिंट पेन आ गया है, तो आपको क्या करना है, उस एरिया को कंट्रोल करना है,
बहुत से लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कि उस एरिया को कंट्रोल नहीं करते, वो दौड़ने स्टार्ट कर देते कि रोज डेली दौड़। भाई जब आपको हो गया आप एक दो दिन रेस्ट ले, आप कोई भी फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, आप रेस्ट नहीं लेते आपको दिक्कत आती है, आपके इंजरी हो सकती है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पर इंजरी चली जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है। आई से क्या करना है, जैसे आपके चोट लगी, आपको लगा कि मेरे सिन स्प्लिंट हो गया है, बहुत से लोग होते हैं कि सिन स्प्लिंट हो गया मेरे को, यहाँ इंजरी आ गई है, तो आपको क्या करना है, आइसिंग करनी है उस एरिए की। उस एरिए की आइसिंग जैसे कि क्या करना है हमको, आपने क्या करना है, एक किसी कपड़े की पोटली में क्या लेना, आइस लेना है और उसको सिकाई करनी है। डायरेक्ट नहीं करना है क्योंकि इससे क्या होता है, डायरेक्ट आप अपनी बॉडी पे आइस करोगे, बर्फ़ लगाओगे, तो उससे क्या हो सकता है, आपके जो टिशू हैं वो, जो अपर सर्विस के टिशू हैं, पिथले में टिशू हैं, वो डैमेज हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। तो हमको क्या करना है, हमको यही करना है कि अपने कपड़े में लिया, आपने एक कपड़ा लेना है, उसमें क्या करना है, आइस लेना है, आराम से आइसिंग करनी है। आप दिन में 2-3 बार 48 घंटे या 3 दिन आप आइसिंग करके देखेंगे, आपका बहुत अच्छे लेवल तक आपका दर्द खत्म हो जाएगा। इससे क्या आता है, कंप्रेस करना उस एरिया को, जैसे कि मेरे इंजरी हो गई, तो मुझे क्या करना है, जैसे कि हम हमारे वो आता है ये, जैसे हमारे मेरे यहाँ इंजरी हो गई पैर में, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को जो हमारा बैंड आता है, बैंड पैर पे बैंड आराम से बांध देना, जो गर्म पट्टी आती है या कोई भी स्प्रिंट वाला बैंड आता है, सिन बैंड बैंड आता है, उसको लगा लेना। हमारा पीछे क्या हो गया, प्रिवेंशन करना है, जैसे हमारा ये एरिया था, हमको इनको प्रिवेंट कर लेना है, बचा के रखना है, ज़्यादा दौड़ना नहीं है। हम जब हमको इंजरी होती है तो उस टाइम क्या करना है, हमको अपर बॉडी, अपर बॉडी की एक्सरसाइज कर सकते, कोर एक्सरसाइज कर सकते, शोल्डर एक्सरसाइज कर सकते, बाइसेप्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं, हमको स्पीड वर्कआउट नहीं करना है। क्या करना है, जो हमारा ईस्ट लास्ट है एलिब्रेट करना है, जैसे कि हमारा, मैं सो रहा हूं, तो अपने पैर को, ये देखो हम सो रहे हैं, तो अपने पैर को अपने पिलो लगा लेना, पैर को कुछ समय के लिए एलिब्रेट करके रखना है अपनी तरफ, जिससे क्या हो, हमारा जो उस एरिए में है ब्लड फ्लो कम हो जाए। हम आइसिंग कर रहे थे उसका मतलब भी था कि अपने उस एरिया को कंट्रोल करके रखना। अगला क्या है, हमको जब सिकाई करनी है, जब सिकाई करते हैं आराम से, यहाँ तेल लगाना है या कोई भी आप वो लगा सकते हैं, अपना दर्द का टूप लगाना है, या गर्म गर्म पानी से नहीं, हमको 3 दिन तक कोई गर्म पानी यूज़ नहीं करना, गर्म पानी यूज़ करोगे तो आपकी इंजरी बढ़ सकती है। उसको क्या करना है, किसी भी कपड़े से तेल लगाना है, कपड़े से ढकना है, काले कपड़े से, और अपना धूप में कुछ देर आराम रखना है। इससे क्या होगा, ये जो विटामिन डी अब्जॉर्ब होगा, आपको अच्छी एनर्जी मिलेगी। ये हो गया, अब मैं कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे ये बहुत तेज़ी से आपका कंट्रोल होगा। हम वो देखते हैं, पहली एक्सरसाइज क्या है, पहली एक्सरसाइज में क्या करना है, ये अपने पैर को ये करना है, कोई कपड़ा ले लेना है, ये कपड़ा छोटा है, ये अपने पैर को पहले आगे की ओर, फिर अंदर की ओर, आगे की ओर, अंदर की ओर, एक ही ओर, इस पैर से भी ऐसे करना है। आप बड़ी तौलिया ले सकते हैं, मैं आज भूल गया लाना, पहले अंदर की ओर लेना है, स्ट्रेच करना है, फिर बाहर की ओर। मतलब ये क्या करेगा, ये आपके जो स्प्लिंट बोन है, जहाँ ये दर्द हो रहा है, ये अच्छे से ये इसको बिल्कुल ठीक कर देगा। आप इस चीज़ का कंट्रोल ज़रूर ध्यान रखें। ये एक्सरसाइज है, उसमें क्या करना है, हमको कुछ अपने टो पे चलना है, आपको 20-25 मीटर अपने टो पे चलना है, ये बहुत आपको इफेक्टिव देगी। फिर क्या करना है, अपने हील पे चलना है, एक्सरसाइज क्या है, तो ठीक है, इसमें क्या करना है, अपने नी को स्ट्रेट रखना है, अपने नी को स्ट्रेट रखते हुए अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, जिससे ये पूरी जो सीन स्प्लिंटर खींचेगी तो दर्द आपका दूर। तो आपको ये एक्सरसाइज करनी है, आपको 20-10 मीटर चलना है, ऐसे बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है जो आपके दर्द को जड़ से ख़त्म कर देगी। अगले 5वीं एक्सरसाइज का, उसमें क्या करना है, कोई ये अपनी स्प्लिट को खींचना है, आप जूते निकाल के भी कर सकते हो, बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। पर अपनी बॉडी को उठाना है, अपनी स्प्लिट को खींचना है, जिससे आपको दर्द ख़त्म हो जाए। ये जो मैंने आपको ये भी कर सकता, ये सब
अच्छे से वार्म अप करें, अच्छी एक्सरसाइज करें, जो सारी मैंने एक्सरसाइज बताई है आप इन एक्सरसाइज को फॉलो करते हो तो आपका कभी भी, हाँ, सिन पेन कभी, मैं बताता हूँ, जड़ से खत्म होगा, कभी सिन पेन नहीं होगा, आपका सारा दर्द दूर हो जाएगा। जो से एक्सरसाइज बताइए मैंने उनको फॉलो करें, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय हिंद, वंदे मातरम सब।